कलमा पढ़ लिया है और अब हम फ़राइज़ व वाजिबात अदा कर देंगे। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तबा जो है वो उसमें दुश्वारियाँ भी हैं कुछ बज़ाहिर के, जिसमें बहुत तकवा भी यकीनन इंसान की शख्सियत में शामिल हो जाता है। तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे, रोज़ा रख लेंगे, हज कर लेंगे, ज़कात कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके ना करने वालों को, इसकी पैरवी यानी कि इताअत ना करने वालों के लिए क्या वईद है, कुरान करीम क्या कहता है? और फिर ये जो इताअत रसूल कर रहे हैं, जो इत्तबा रसूल कर रहे हैं, उनके लिए क्या अजर व सवाब है? मैं चाहूँगा इन दोनों हवालों के साथ गुफ्तगू फरमा दीजिए। जी बिल्कुल रईस भाई, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया इताअत और इत्तबा में फ़र्क बयान करते हुए, उसी तसलसल को जोड़ कर हम इस अगर मफहूम को समझने की कोशिश करें तो बड़ी खूबसूरत बात है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इत्तबा और इताअत में जो मोहब्बत का अंसर और रिस्पेक्ट है उसका बड़ा दखल है। और ये जो आयत मुबारक है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, सिर्फ यहाँ तक अगर देखा जाए, ए हबीब इनसे कह दीजिए कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत चाहते हैं या अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो इस मकाम तक हमें नज़र आता है कि रब्बे जुल जलाल इंसान का महबूब है। फिर फरमाया फत्तबियूनी, तो पस वो मेरी इताअत करें। अब युहबिबकुमुल्लाह, फत्तबियूनी से कबल खुदा बंदे का महबूब था और इत्तबा के बाद वा, 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 वा। बंदा खुदा का महबूब हो गया। क्या कहने अल्लाह साहब, और यकीनी तौर पर जब बंदा खुदा का महबूब हो जाए तो उसने हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी के मकसद को पा लिया। इसी आयत के तनाजुर में हजरत सुफियान सौरी रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मोहब्बत इलाही इत्तबाए रसूल का नाम है। कोई ये अल्लाह की मोहब्बत भी चाहता हो और रसूल की इत्तबा भी छोड़े बैठा हो तो वो किसी तरह से भी मोहब्बत इलाही को नहीं पा सकता। इसी वजह से कुरान मजीद फुरकान हमीद में दोनों चीज़ों को बाहमी जिक्र किया गया है। और फिर ये भी बड़ी खूबसूरत नुक्ते की बात है, आयात हों या अहादीस मुबारक, इसमें जो चीज़ हमें मुनफरिद नज़र आती है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मकामात पर अपनी इताअत का जिक्र पहले किया है, मगर कसरत के साथ मुस्तफ़ा की इताअत का जिक्र पहले किया है। तो इस पर मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी इताअत को यानी रसूल की इताअत को मुकद्दम क्यों किया? फरमाया कि चूँकि अल्लाह की ज़ात आला है, तो कोई ये ना समझे कि मैंने अल्लाह की इताअत कर ली तो अब मुझे रसूल की इताअत की ज़रूरत नहीं है। इसलिए फरमाया कि पहले मुस्तफ़ा की इताअत का जिक्र इसलिए किया कि तुम रब की इताअत तक पहुँच ही नहीं सकते जब तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इताअत ना हो जाए। इसलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और एक हदीस मुबारक है बुखारी मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मुबारक, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और मेरी लाई हुई शरीयत की मिसाल उस शख्स की सी है कि जो आए और अपनी कौम के लोगों से कहे कि एक बहुत बड़ा लश्कर कल ही तुम पर हमला करने वाला है, तुम अपनी बचाव का इंतज़ाम कर लो। कुछ लोगों ने उस पैगाम को सुना और उस पैगाम को सुनने के बाद उन्होंने अपने लिए हिफाजती उमूर सर अंजाम दिए और अपने आप को महफूज किया, और कुछ लोगों ने बात को सुना अनसुना कर दिया और कोई इंतज़ाम न किया। दूसरी सुबह वो लश्कर आता है तो जो महफूज हो गए थे वो मामून और महफूज रहे, और जिन्होंने कान में वो बात सुनी अनसुनी कर दी तो कहा कि वो मारे जाएंगे। तो कहा कि मेरी जात और मेरी लाई हुई शरीयत बिल्कुल इसी तरह से है कि जिसने मेरी इताअत कर ली वो महफूज और मामून हो गए, और जिन्होंने मेरी उस लाई हुई शरीयत और मेरी इताअत से रूगर्दानी की तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब में आएंगे और मारे जाएंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि इताअत रसूल किस कदर लाजिम और ज़रूरी है। अगर इताअत रसूल के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत नहीं होगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के साथ हमारी वाबस्तगी कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि मुसलमान आलमी सतह पर जिस तरह से अजियत और परेशानी का शिकार होते जा रहे हैं, तो जहां और असबाब हैं वहां बुनियादी सबब भी ये है कि हमारा मकीन गुंबद खजरा की सीरत के साथ जो वाबस्तगी है, जो ताल्लुक है, वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ ये इताअत और इत्तबा में हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इत्तबा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी के कदमों पर उसके पीछे चलना, इताअत तो चूंकि एक आम हो गई, ख़ास हो गई कि उसमें फ़राइज़ और वाजिबात हुए, मगर इत्तबा ये है कि उस इत्तबा में फ़राइज़ और वाजिबात के साथ साथ सुनन और मुस्तहब्बात आ जाते हैं। और इत्तबा में बड़ी खूबसूरत बात यह भी है कि इसमें समियाना व अताना है कि हमने सुना और इताअत की, फहिमना नहीं, फहिमना नहीं कि पहले सोच विचार करें कि आया इस शख्स के पीछे चलें या ना चलें।
कहा तुमने सुन लिया मेरे महबूब ने ऐसे किया है, अब अपने कानों को अपनी आंखों को बंद कर लो और उस जात के पीछे पीछे चल पड़ो और ये इत्तबा ऐसी है कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। इसी वजह से जब हम देखते हैं सहाबा कराम रिदवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमाइन की हयात और सीरत को, उन्होंने हकीकी तौर पर मुस्तफ़ा की इत्तबा की है, यानी मुस्तफ़ा के कदमों पर चले हैं। वह हदीस मुबारक हम सब ने सुन रखी है, एक शख्स ने सहाबी ने अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उठाकर उसे फेंक दिया और फरमाया कि मैं तुम्हारी उंगलियों में आग के अंगारे देखूँ, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हरीसुन अलैकुम है, हमारे लिए मेहरबान और शफीक हैं। तो जब हुज़ूर रवाना हो गए तो सहाबा ने कहा इसे उठा लो, घर में दीगर काम काज के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो वो सहाबी किस कदर मुत्तबे के साथ वाबस्ता थे, फरमाते हैं कि जिस शय को मेरे महबूब फेंक दें मैं उसे उठाऊं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर और बड़ी इमारतों को नापसंद फरमाते थे जिन पर गुंबद बने हुए, हुज़ूर गुजरे तो पूछा ये किसका घर है, जवाब दिया फलां सहाबी का, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम खामोशी के साथ गुजर गए, कुछ कहा नहीं था। सहाबा ने जाकर उस साहिब खाना से जाकर कहा कि हुजूर यहाँ से गुजरे थे मगर हुजूर अलैहिस्सलाम को शायद आपका घर पसंद नहीं आया। अच्छा, मेरे महबूब को मेरा घर पसंद नहीं आया, इधर कुदाल ली और अपने घर को गिरा दिया। हुजूर जब दोबारा वहाँ से गुजरे तो कहा यहाँ घर था। फरमाया या रसूलल्लाह, आपको जो पसंद नहीं आया था तो मैं कैसे उस शय को अपने लिए पसंद कर सकता हूँ जो महबूब की अदाओं और महबूब की पसंद ना हो। तो ये इत्तबा जब हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए और मोहब्बत का एस्पेक्ट जब हमारी इत्तबा और इताअत में दाखिल हो जाएगा तो यकीनी तौर पर हमारी ये परेशानियाँ और हमारे अहवाल खुद ब खुद सही डगर पर डलना शुरू हो जाएंगे। और ये इत्तबाए रसूल की बार बार गर्दान और रट इसीलिए लगाई जाती है और इस माह मुबारक में इताअत और इत्तबा और सीरत का पैगाम बार बार इसीलिए जिक्र किया जाता है कि भाई ये ज़ात ऐसी है और ये ऐसी साहिब शरीयत ज़ात है कि और किसी के पीछे चलने में तो शायबा हो सकता है कि ये तुम्हें कहीं भटका दे या गुमराह कर दे। बस एक ही ज़ात निजात दहिंदा है और जिसने भी फैज़ पाया या जो भी फैज़ याफ्ता बना या निजात दहिंदा बना उसने पहले इस बारगाह और इस चौखट से दस्तगीरी की है और उसके बाद ही यकीनी तौर पर वो इस काबिल हुआ कि लोगों ने उसे भी अपने लिए मंजिल समझा। तो इसलिए लाजिम और ज़रूरी है कि इताअत और इत्तबा के लिए, जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि जिसने मेरी नाफरमानी की गोया उसने अल्लाह की नाफरमानी की, तो यकीनी तौर पर रब की नाफरमानी को अपने मोल लेना ये कोई भी इंसान इस बार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह की नाफरमानी कोई मोल नहीं ले सकता तो उसे सोचना चाहिए कि उस रब्बे जुलजलाल को अपने महबूब की इत्तबा और इताद इस कदर पसंद है कि अपनी इताद से कबल अपने महबूब के नकूश पा को इख्तियार करने का हुक्म देता है कि तुम्हारी नमाज, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारी हज और तुम्हारी इबादत हैं तो मेरी इबादत जो खालिस्तन मेरे लिए है, मगर कबूल तब करूंगा जब तुम महबूब की अदाओं के मुताबिक उन्हें अदा करोगे और महबूब की अदाओं के मुताबिक अदा करना ही इत्तबा कहलाता है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात और इत्तबा रसूल ही यकीनी तौर पर हम सब के लिए निजात दहिंदा भी है और साथ साथ मंजिल तक पहुंचने का जरिया भी है और सब की मंजिल रब की रज़ा, उसकी मंशा और खुशनुदी है। ठीक है।